गणेश चतुर्थी पर गिरिडीह के विभिन्न स्थानों में शुक्रवार को खूब धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा आराधना की गई। इस दौरान अंबेडकर चौक, पंच मंदिर, हुट्टी बाजार, आजाद नगर समेत अन्य स्थानों पर भक्तिभाव पूरे उफान पर रहा। कोरोना गाइडलाइंस और तीसरी लहर को देखते हुए गिरिडीह में इस बार भी पूजा समितियों ने पंडाल का निर्माण नहीं करवाया है। वहीं भगवान गणपति की पूजा बड़े ही सादगी से की जा रही है। गिरिडीह के नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए बड़े ही सादगी से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी के कारण गणेश उत्सव का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, पर उम्मीद है कि भगवान गणेश जल्द ही कोरोना महामारी को खत्म करेंगे और अगले साल बड़े ही धूमधाम से भव्य पंडाल के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। इधर पंच मंदिर में भी भक्तिभाव से पूजा आराधना हुई। वहीं आजाद नगर में भी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा पाठ। बताया गया कि यहां मुंबई से गणपति बप्पा की प्रतिमा मंगवाई गई है। इधर देवरी और राजधनवार में भी भक्ति भाव से गजानंद गणेश की आराधना की गई। लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता कन्या कुमारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।